हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे बेसन और शिमला मिर्च की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को मैंने साफ पानी से धो लिया है। शिमला मिर्च के डंठल और बीज निकाल देंगे। बीज और डंठल फेंक देंगे। शिमला मिर्च को काट लेंगे। दस बारह कलियां लहसुन की, लहसुन को छील के क्रशर में कूट लेंगे। 60 ग्राम टमाटर साफ पानी से धो के बारीक काट लेंगे। 100 ग्राम प्याज, प्याज को छील के बारीक काट लेंगे। 30 ग्राम बेसन, बेसन को छन्नी में छान लेंगे। बेसन को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। कढ़ाई भारी तेल की है, इसलिए मैंने गैस फ्लेम मीडियम रखी है। अगर आप हल्के बर्तन में बेसन भून रहे हैं, गैस फ्लेम लो रखिए, लो फ्लेम पे बेसन भूनिए। बेसन बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है, लगातार चलाते रहेंगे। बेसन का कलर चेंज हो गया है, बेसन में से अच्छी खुशबू आने लगी है। गैस फ्लेम बंद कर देंगे, बेसन भून गया है। बेसन को एक बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे, गैस फ्लेम मीडियम है। इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हल्का धुआं निकलने तक गरम होने देंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम बंद कर देंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल हल्का ठंडा हो गया है, गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, मीडियम पे की हुई है। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने। जीरा चटक गया है, कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। एक हरी मिर्ची डालेंगे बीच में से चीर के। 10-15 कड़ी पत्ते, कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज भून गए हैं, प्याज का कलर चेंज हो गया है। कटे हुए टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा पानी, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है। चौथाई छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच धनिया, एक छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे मसाला भूनने के लिए। मसाला भून गया है, इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च, चला देंगे। शिमला मिर्च को मसाले में कोट कर देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे, शिमला मिर्च को थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं शिमला मिर्च को पकते हुए, बीच में एक बार चला दिया था। 40 ग्राम भुनी हुई मूंगफली, मूंगफली को क्रशर में दरदरा कूट लेंगे। कूटी हुई मूंगफली डालेंगे, भुना हुआ बेसन डालेंगे, चला देंगे। बेसन को कोट कर देंगे शिमला मिर्च के ऊपर। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा डालेंगे, चला देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे, सब्जी को लो फ्लेम पे पकाएंगे। सब्जी को मैंने 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया है, बीच में एक बार चला दिया था। शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गई है, सब्जी बन गई है। गैस फ्लेम बंद कर दी है मैंने। शिमला मिर्च और बेसन की सब्जी बन गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।